In this video, I cover pooling and separating equilibrium. Pooling is also known signaling. तो one by one define करते हैं, ठीक है? Pooling. पहले pooling को define करते हैं. Pooling का another name क्या है? Signaling. 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 ठीक है? अब यहाँ क्या है? एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है? पूलिंग और सिग्नलिंग इक्विलिब्रियम। सेलर, ठीक है, द सेलर ऑफ प्रोडक्ट सेंड सेम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल बायर इज कॉल्ड पूलिंग और सिग्नलिंग इक्विलिब्रियम। जब सेलर, ठीक है, कोई चीज का सेलर होगा, वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को, ठीक है, बायर को सेम इंफॉर्मेशन किस चीज का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देता है, उसको हम कहते हैं। एकदम एग्जांपल सुन लीजिए, जैसा कि यूज कार मार्केट में, ठीक है, तो यूज कार मार्केट में तो दोनों क्वालिटी का कार ओनर ऑफ गुड क्वालिटी का एंड लो क्वालिटी का सेंड सेम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल बायर। वो दोनों, चाहे ओनर हो गुड क्वालिटी का या बैड क्वालिटी, दोनों बोलेगा मेरा क्वालिटी का कार, मेरा कार अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी का है। इसी को हम पूलिंग एंड सिग्नलिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब सेपरेटिंग में क्या होता है उस पर देखते हैं। सेपरेटिंग पोटेंशियल बायर इज कॉल्ड सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम बाय प्रोवाइडिंग गारंटी एंड वारंटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम में ये होता है, सेलर ऑफ प्रोडक्ट जो भी होता है, सेलर बेचने वाला, ठीक है, वो सेंड करता है डिफरेंट टाइप के, माने सिग्नल सेंड करता है, डिफरेंट मैसेज टू पोटेंशियल बायर। और किस तरह करता है, कैसे आप डिफरेंट करते हैं, तो वो गारंटी देगा अपना प्रोडक्ट को, वारंटी देगा अपना प्रोडक्ट को कि मेरा प्रोडक्ट है। और गारंटी और वारंटी जो लॉक, जैसे यूज कार मार्केट में हम लेते हैं, तो गुड क्वालिटी वाला कार को देने में कोई परेशानी नहीं है गारंटी वारंटी, क्योंकि उनकी क्वालिटी कार का अच्छी है। लेकिन जो ओनर ऑफ लो क्वालिटी का कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी एंड वारंटी एंड सर्विस फैसिलिटी टू पोटेंशियल बायर, क्योंकि इट इज ए टू मच कॉस्टली टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू पोटेंशियल बायर। उनके लिए ये बहुत कॉस्टली होगा, क्योंकि उनका कार हमेशा ब्रेक डाउन ना करेगा, उसकी क्वालिटी ही नहीं कार का, ये है। तो आप लोगों ने यूज कार के मार्केट से समझ गए। इन द लेबर मार्केट में भी यही पोजीशन है, और भी इकोनॉमिक्स का फील्ड या अदर साइंसेस या रियल लाइफ में यूज होता है, ठीक है। अब लेबर मार्केट में लेते हैं, लेबर मार्केट, ठीक है, लेबर मार्केट में क्या है कि एवरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेबर। एक लेबर को हम कहेंगे पीएच, जिसको हम कहेंगे हाई क्वालिटी वर्कर, हाई क्वालिटी वर्कर। और दूसरा होता है हम पी एल कहेंगे, ये प्रोडक्टिविटी भी बताएंगे, लेकिन हाई, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ये हम यहाँ लिख देते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर। और पी एल हो गया प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लो क्वालिटी क्वालिटी वर्कर। तो नाउ इंटायर लेबर पार्ट, लेबर मार्केट इज ए, मतलब लेबर मार्केट हैज ए टू ग्रुप, ठीक है, हाई क्वालिटी वर्कर एंड लो क्वालिटी वर्कर। हाई क्वालिटी वर्कर इज डिनोटेड बाय एच, और लो क्वालिटी वर्कर इज डिनोटेड बाय एल, एंड पी एच इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर, एंड पी एल प्रोडक्टिविटी ऑफ लो क्वालिटी वर्कर। इतना आपको दिमाग में आ गया है, ठीक है।
अब लेबर मार्केट में इसी तरह होता है, हाई क्वालिटी वर्कर एंड लो क्वालिटी वर्कर, बट एम्प्लॉयर पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैज नो आइडिया हाउ मच प्रोडक्टिव द पर्सन दे वांट टू हायर। वो नहीं जानता है एम्प्लॉयर पोटेंशियल एम्प्लॉयर कि कौन हाई क्वालिटी वर्कर है और कौन लो क्वालिटी वर्कर है। उसके पास मतलब है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट मेक डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, कैन नॉट मेक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्टिविटी ऑफ लो क्वालिटी वर्कर एंड हाई क्वालिटी वर्कर। तो इस कंडीशन में एवरेज सैलरी इज डिटरमाइंड होता है। अब मान के चलो जो हाई क्वालिटी वर्कर है एच, जिसको हाई क्वालिटी वर्कर वो चाहते 20,000 में काम करना चाह रहा है, सपोज दैट हाई क्वालिटी वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड ज्वाइन वर्क एंड गेट जॉब एट सैलरी 20,000। लो क्वालिटी का भैया 10,000 में भी काम चलेगा। अब यहाँ देखो यहाँ इस कंडीशन में एवरेज प्राइस निर्धारित होता है। एवरेज प्राइस हम इसको एवरेज सैलरी हम कह सकते हैं, एवरेज सैलरी सैलरी निर्धारित। इसको एवरेज निकालोगे 20,000 प्लस 10,000 टू कर देंगे तो 30,000 हो जाएगा और 30 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 हुआ, ठीक है। इन लेबर मार्केट एवरेज सैलरी इज डिटरमाइंड 15,000 हुआ। तो देखो यहाँ पर इट वायलेट, ठीक है, इट वायलेट कंडीशन फॉर प्रेटो पैरेटो इफिशियंसी। प्रेटो इफिशियंसी का ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है, डिसऑबे कर रहा है इफिशियंसी, क्योंकि अंडर द प्रेटो इफिशियंसी कंडीशन, ठीक है, वर्कर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अनुसार देना पड़ेगा, ठीक है, अंडर इन ऑर्डर टू अचीव द कंडीशन फॉर पारेटो इफिशियंसी। लेकिन यहाँ पर ये तब हो, ये इट इज ए पॉसिबल ओनली व्हेन पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है, विल बी एबल टू नो देयर प्रोडक्टिविटी ऑफ पोटेंशियल वर्कर। जब पोटेंशियल वर्कर की प्रोडक्टिविटी की जानकारी अगर प्राप्त करने में पॉसिबल होता तो उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अनुसार एम्प्लॉयर दे सकता था, बट एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर्स हैव नो मैकेनिज्म टू नो रिगार्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ पोटेंशियल वर्कर को प्रोडक्टिविटी जानने के लिए उसके पास कोई ऐसा मशीन नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। इन दिस कंडीशन पुलिंग और सिग्नलिंग, ठीक है, इक्विलिब्रियम फेल हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाई क्वालिटी वर्कर वो मार्केट से भाग जाएगा, लो क्वालिटी वर्कर बचेगा तो उसको वो रखना नहीं चाहेगा एम्प्लॉयर, क्योंकि उससे इफिशियंसी कम है और अच्छा इफिशियंसी मतलब 20,000 में काम करना चाहता है, इसके लिए तो बोनस 10,000 में काम करना चाह रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इट क्रिएट एडवर्स सिलेक्शन, प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, कॉजेस बाय असिमेट्री इंफॉर्मेशन ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ठीक है। तो क्या है कि उसके बाद तो उसको एक सिग्नल माना गया है, एजुकेशन कैन सर्व एज ए सिग्नल, देयर आर थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। अगर एजुकेशन को सिग्नल बनाना है, डिफरेंशिएट करना है लो क्वालिटी वर्कर और हाई क्वालिटी वर्कर को, तो तीन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, तीन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या है वो हम बताएंगे। तो पुलिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऑल टाइप ऑफ वर्कर सेंडिंग सेम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू देयर क्वालिटी टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है, पुलिंग में सब तरह के ही। एजुकेशन को अगर सर्व करना है, एजुकेशन को अगर सर्व करना है एज ए बेटर सिग्नल टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर, तो पहला है आपको थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए। हम सीएल बोलेंगे तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन,
किसके लिए? एजुकेशन फॉर पीएल, लॉ क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी, हम जो बताए थे लॉ क्वालिटी, हम यहाँ पर वर्कर हो गया सी एच, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर पीएच, माने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर हाई क्वालिटी वर्कर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हम वहां लिख दिए, अलग बात है, अब वहां समझना ये। अब देखो पहला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, सी सी एल ग्रेटर देन सी एच। अब इसका मीनिंग क्या है? पहला कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर लॉ क्वालिटी वर्कर इज ए हायर देन दैट ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट अगर एजुकेशन को अक्वायर करेगा लो क्वालिटी वर्कर, उसको बहुत हैवी लगेगा एज कंपेयर टू हाई क्वालिटी वर्कर। इट कॉस्ट मोर फॉर लो क्वालिटी वर्कर एंड इट कॉस्ट लेस फॉर हाई क्वालिटी वर्कर। अब यह समझने की बात है, आपने मैट्रिक कॉलेशन नहीं किया है, ठीक है, और एक बंदा मैट्रिक कॉलेशन की, मैंने यहाँ पर हम जब भी कह रहे हैं कॉस्ट, तो ये टर्म ऑफ मनी एंड टाइम दोनों लेने हैं, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन नहीं किया, दो वर्कर है ए और बी, एक मैट्रिकुलेशन किया है और एक ये मैट्रिकुलेशन किया, ये नॉट किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसको 10 वर्ष पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा जो मैट्रिकुलेशन किया है, ठीक है। इंटर का मांग रहा है एम्प्लॉयर, तो ये इंटर करना इसके लिए 2 साल की होगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट होगा इसका, तो 12 साल लगेगा, काफी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो लो क्वालिटी वर्कर है उसके लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सी एल, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर लो क्वालिटी वर्कर इज ए ग्रेटर देन डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाई क्वालिटी वर्कर माइनस प्रोडक्टिविटी ऑफ लो क्वालिटी वर्कर। अब देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन होगा, इट कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है लो क्वालिटी वर्कर का, बहुत ज्यादा है, माने डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी। अगर ये एजुकेशन हायर भी कर लेगा तो जो वेज का डिफरेंसेस है ज्यादा नहीं, उससे बहुत ज्यादा इसको कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इट कॉस्ट, माने इसको इसका मतलब ये हो रहा है, इट सिंपली मीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर लो क्वालिटी वर्कर इज हायर एंड हायर देन द डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बिटवीन लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी वर्कर। लो क्वालिटी वर्कर डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन बिकॉज cost, it cost maximum and rate of return of education is a law, ठीक है, क्योंकि cost of education, आखिर हम देखिए यहाँ पर कहना है कि ये low quality worker education में खर्च नहीं करेगा, क्योंकि इसका rate of return जो आएगा वो कम है cost की तुलना में, ठीक है, cost ज़्यादा लग जाएगा। और तीसरा जो condition must be fulfilled in order to education serving a better signal to potential employer, CH is less than PH minus PL, वही चीज है। इसका मतलब है कि cost of education is less than differences in productivity of low quality worker and high quality worker, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ इस, इट मींस हाई क्वालिटी वर्कर इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी बिकॉज इट कॉस्ट लेस एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब हाई क्वालिटी का वर्कर के लिए बहुत काफी आसान होगा कि क्योंकि इसका एक कॉस्ट कम लगेगा और जो दोनों का डिफरेंसेस है बिटवीन है वो कॉस्ट से कम, यानी रेट ऑफ रिटर्न अगर ये एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगा, हम बोले थे ना 10th से 12th में कर लेगा, वो 10 साल 12 साल पढ़ना पड़ेगा, तो इस पर रेट ऑफ जो रिटर्न होगा एजुकेशन में, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू
कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर हाई क्वालिटी वर्कर, ठीक है। तो इससे इंटायर लेबर मार्केट इज सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप ए एंड बी। ए ग्रुप इज ए हाई प्रोडक्टिव हाई क्वालिटी वर्कर एंड बी ग्रुप इज ए लो क्वालिटी वर्कर सेंडिंग डिफरेंट सिग्नल रिगार्डिंग टू देयर क्वालिटी ओके टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है। इन दिस इक्विलिब्रियम या दिस इक्विलिब्रियम इज ए कॉल्ड सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। अब यहां पर डिवाइड हो गया, एजुकेशन एक सिग्नल कर रहा है बेटर सर्वे या तीन कंडीशन पर। तो यहां पर कहने का मतलब साफ है कि एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन लो क्वालिटी जो है कि उसको लो क्वालिटी वर्कर को और हाई क्वालिटी वर्कर को दो ग्रुप में बांट देता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल भेजता है अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे है, मैंने तो दोनों मैट्रिक पास है, तो ट्रेनिंग ले लिया है आईटीआई का आईटीआई, अरे वो है कि मैट्रिकुलेशन है लेकिन नो सर्टिफिकेट। एक मान लो किसका एक्सपीरियंस है तो वो ज्यादा अच्छा है, वो हाई क्वालिटी वर्कर हो गया। मैट्रिकुलेशन जैसे सबसे बढ़िया हमको टीचर लेना है अपने स्कूल में, तो टीचर के लिए क्या नेसेसरी होता है, मेरा हाई स्कूल मान के चलिए तो एक बीएड डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए बीएड, ठीक है, ये दोनों डिग्री होनी चाहिए बीएड की। तो दो व्यक्ति आया भाई, तो बीए प्लस बीएड को हम रखेंगे, यानी दो व्यक्ति आया दोनों बीए प्लस बीएड, लेकिन एक व्यक्ति बीए प्लस बीएड को है ये टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके साथ 10 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग इन स्कूल, तो वहां सिग्नल कर रहा है बेटर सिग्नल दे रहा है, तो जब भी रखा जाएगा हाई क्वालिटी के कैटेगरी में जिसका एक्सपीरियंस 10 साल है, और एक है जो विदाउट फ्रेशर है तो उसको लो क्वालिटी वर्कर में रख सकते हैं। बहुत सारे आम भी चीज आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। तो यही है, दिस इज द पूलिंग सिग्नलिंग एंड सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली एंड यू मस्ट बी एंजॉय माय वीडियो एंड आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक ऑन टुमारो पेपर एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।